स्मार्ट सिटी धर्मशाला के सीवरेज की गंदगी नाले के पानी में जहर घोल रही है। आईपीएच विभाग की इस घिनौनी हरकत से आम जनमानस सहित तपस्वियों की सेहत से भी सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे पहले भी आईपीएच विभाग की लापरवाही के कारण प्रदेश की राजधानी शिमला में सीवरेज लीकेज के कारण भयंकर संक्रमण फैला था। अब फिर विभाग ने बड़ी लापरवाही बरतते हुए संक्रमण व बीमारी फैलने का इंतजाम कर दिया है। विभाग पिछले कई महीनों से शहर से सीधे इनलेट बॉक्स में आ रहे सीवरेज बेस्ड मटेरियल को स्क्रीन एरिया से ही पाइप डालकर सीधे खुले नाले में फेंक रहा है। ये नाला आगे जाकर चरान खड्ड में मिल रहा है और चरान के पानी को पूरी तरह से दूषित कर रहा है। चरान का पानी आगे जाकर दूसरी अन्य खड्डों के साथ मिलने से इसी पानी से विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाएं भी चल रही हैं। सीवरेज प्लांट के साथ वाले क्षेत्रों में लोग दिनचर्या के कामों में इस पानी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लोग इस घटना से अनजान है कि आईपीएच विभाग इस तरह की हरकत कर पानी में जहर घोल रहा है। विभाग ने इनलेट टैंक से स्क्रीन एरिया में जाने वाले पानी को सीधे बाहर की सप्लाई दे दी है। ये गंदा पानी लोगों के घरों से आकर सीधा नाले में बह रहा है। इस प्रक्रिया में धर्मशाला शहर से लोगों के घरों व शौचालय का पानी सीवरेज पाइपों के माध्यम से सीधा ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच रहा है। ये पानी पाइप से सीधा इनलेट बॉक्स में गिर रहा है। इनलेट बॉक्स में आने वाली जिंदगी लिफाफे व अन्य सामग्री फिल्टर कर पानी व वेस्ट मटेरियल स्क्रीन एरिया से गुजारा जाता है, जिसमें ये पानी सीधा टैंक में जाता है। इस टैंक में भारी मोटर्स के जरिए पानी को फिल्टर किया जाता है और असलज भी पाइपों के जरिए दूसरे टैंकों में भेजा जाता है। इसके बाद विभिन्न टैंकों से गुजर कर ये पानी अंतिम प्रक्रिया के लिए पहुंचता है। असलज अगर टैंकों में रखने के बाद खाद के रूप में निकाल लिया जाता है। इस पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर ये पानी फिल्टर बेड में फेंका जाता है। इसके बाद इस पानी को बाहर फेंका जाता है, लेकिन धर्मशाला सीवरेज प्लांट में इस गंदगी को बाहर भी बिना फिल्टर वेट के ही कर दिया जा रहा है। इस बारे में जब नगर निगम के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अधिशांशी अभियंता राजेंद्र मोगर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम इस पानी को रियूज नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बीओडी लेवल को 30 से नीचे करके ही छोड़ते हैं और जो रिजल्ट है वो लैब में सैंपलिंग और टेस्टिंग के बाद 10 से भी नीचे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी समय पर टेस्टिंग करता रहता है और हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसकी टेस्टिंग की है तो उसका रिजल्ट 3.8 आया हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। राजेश ने कहा कि इस पानी के छोड़ने से कोई भी बीमारी निचले क्षेत्रों के लोगों को लगने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसका अपग्रेडेशन का जो है, अभी हमने टेंडरिंग के लिए इसका जो है आगे रखा हुआ है और इसका बजट भी हमारे को आ गया है और इसको जिससे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं और भी बेटर आ जाएंगे। बिलो 10 बीओडी जो है उसकी आया करेगी और साथ में जो उसका जो आधा हिस्सा जो है वो हमने जो स्मार्ट सिटी के लिए प्रपोज किया हुआ है उसकी अपग्रेडेशन के लिए। और सर, जो पानी जो आप डाल रहे हैं वो क्या है? पानी जो उसमें डाला जा रहा है नहीं, वो उसका आउट प्रोडक्ट है जो कि हम ट्रीटमेंट्स के बाद उसमें डालते हैं, जिसका बीओडी लेवल जो है फंक्शनिंग जो उसमें सारे कंपोनेंट्स में होने के बाद जो उसका बीओडी लेवल है वो 30 से बिलो लेके आना होता है और उसकी ट्रीटमेंट करके उसको नाले में डालते हैं। क्योंकि इसको इसलिए नाले में डाला जाता है क्योंकि इसका रीयूज का कोई हमारा कोई जरिया नहीं है कि जिसको इसको आगे बढ़ते कहीं यूज करना, नाले में ही डालना पड़ता है और वो भी सेफ कंडीशंस में डाला जाता है। और इसका जो सैम्पलिंग है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो टाइम टू टाइम इसकी करता रहता है। अभी पीछे इन्होंने अक्टूबर महीने में 28 को जो है सैम्पलिंग करी थी, उसके रिजल्ट्स आए हुए हैं जो वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड होंगे। उसके रिजल्ट 3.8 बीओडी जो कि बहुत ही कम है और बढ़िया फंक्शनिंग जो है उसकी प्लांट की जो शो करता है। सर, कितनी बीओडी जो मैक्सिमम जो मैक्सिमम जो जो इसकी जो हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट है जो हमारा स्टैंडर्ड एडिशन पे चल रहा है पुराने मैथड के ऊपर, उसकी जो है बिलो 30 होनी चाहिए। और आपकी यहाँ हमारी आ रही है, जैसे जो हमने सैंपलिंग अपने आप जो खुद टेस्ट किए हुए हमने, हमारी कोई 10 है, कोई 15 है, कोई 16 है, मतलब सारी बिलो 30 है। पर जो उसी ही सैंपल्स की उसी प्लांट की जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर रहा है वो उनकी बिलो 10 आ रही है। वो ज्यादा बड़ी ढंग से करते हैं क्योंकि वो तो फिर उनका काम ही इसको पोल्यूशन को मॉनिटर करना है।